हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि BHU का एडमिशन पोर्टल कब ओपन होगा और इस फॉर्म को फिल कौन कौन कर सकता है। जैसे कि मेरे टाइम पे हुआ था ना कि मैंने जब CUET का फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पे BHU यूनिवर्सिटी तो डाला था, लेकिन उसमें कोर्स मैंने BVOC डाला था, BSc नहीं डाला था। लेकिन हमको बाद में जब हमको BHU में जब एडमिशन का टाइम आया तो हमको BVOC करना नहीं था, क्योंकि हम BVOC के बारे में बहुत सारा रिसर्च किए, मतलब सर्च वर्च किए, तो हमको सही वो कोर्स लगा नहीं। तो फिर हमको BSc करना था, तो फिर हम बहुत मतलब डरे हुए थे कि पता नहीं मेरा BHU में होगा नहीं होगा, क्योंकि हम CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में तो हम डाले नहीं थे कि BHU से हमको BSc करना है, हम BVOC डाले थे। तो उस टाइम ये जो जितना डर था वो जब मेरा आ गया तो वो डर ख़त्म हो गया कि चलो मेरा फाइनली आ गया। तो वो नहीं है, आप लोग नहीं डरना कि आप लोग ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो प्लीज़ डरना नहीं, वो आप भर देना। मतलब CUET के एप्लीकेशन फॉर्म से यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा कि वहाँ पे आप कौन सा यूनिवर्सिटी में क्या कोर्स डाले हो, बस वहाँ पे BHU मेंशन है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो डाल देना। और देखो, हम लोग के टाइम पे तो मतलब बहुत लेट हुआ था क्योंकि BHU अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था या सिस्टम कुछ कर रहा था, क्योंकि हमारे टाइम में मतलब बहुत वेट हम लोगों को करना पड़ गया था। हम लोग का क्लास शुरू हुआ था 7 अक्टूबर से, समझ रहे हो, जो 16 अगस्त UGC ने बोला था उसका इतना डिले हो गया था 7 अक्टूबर से। उसके बाद हम लोग इतना तेज़ पढ़ाया गया हर चीज़ कंप्लीट कराने के लिए फर्स्ट ईयर, कि मतलब एकदम बहुत तेज़ हुआ, क्योंकि हम लोग का वो दिक्कत हुआ था कि वहाँ पे सिस्टम अपडेट कर रहा था शायद इसलिए। तो इस बार तो कोई दिक्कत ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखो, आप लोग का मिड जून या लास्ट जून तक आपका फॉर्म आ जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि इस बार एडमिशन थोड़ा जल्दी वो कराएगा, अगस्त या सितंबर तक आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का जुलाई जुलाई में हमारा सेमेस्टर एंड है, एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। तो आप लोग का मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त तक आप लोग का मतलब सब कुछ एडमिशन ख़त्म हो जाएगा आप लोग का। फिर हमको लगता है कि क्लासेस भी अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक चलने लगेंगी। हाँ, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि कैसे अब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको BHU का वेबसाइट जानना होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली जाके गूगल पे सर्च करोगे BHU वेबसाइट तो आ जाएगा, वो फर्स्ट लिंक ही होगा BHUonline.in। अगर उस पर आप जाओगे तो वहाँ पे आपका एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। तो अभी तो देखो, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि अभी 24 वाले पे बस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, 2023 और 2024 में, जैसे कि जिसमें मेरा पोर्टल था, तो वो मैंने अभी लॉगिन करके आपको इस वीडियो में दिखाया है कि क्या क्या हो सकता है उस वीडियो में, मतलब क्या क्या होता है, जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसमें वो दिया है। एंटी रैगिंग फॉर्म तो आपके वेबसाइट से ही मिल जाता है, जो भी आपको यूज़ होता है उसमें। और हाँ, आप लोग ये सब रख लेना, एंटी रैगिंग फॉर्म, डोजियर फॉर्म्स, ये सब प्रिंट आउट करवा लेना जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में जाओगे, तो यही सब फॉर्म आपको फिल करना होगा वहाँ पे। वो फॉर्म फिल होता है डोजियर फॉर्म और एंटी रैगिंग, जो आपके एक तो ऑफिस में रह जाता है और एक आपके हॉस्टल में चला जाता है, जब भी आप कुछ ऐसा इशू में पड़ोगे तो वो आपको दिलाएगा। तो ये सब बहुत मतलब देख लो, और जो भी चीज़ आपको यहाँ पे भरना है बहुत सोच समझ के भरना है, मतलब आप करेक्शन विंडो का तो इंतज़ार ही नहीं करना, ऐसे भरना कि सारा हर चीज़ करेक्ट, 4-5 बार इसको मिला लेना, देख लेना और एकदम करेक्ट भरना, कि मान लो करेक्शन विंडो कब खुलेगा, नहीं खुलेगा, मान लो नहीं ही खुला, ये तो खुलता ही है 2-3 दिन के लिए, लेकिन उस टाइम मान लो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला कि करेक्शन विंडो खुल गया, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप 1-2 बार 3-4 बार सब कुछ देख लेना अपने से, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना, क्योंकि पेमेंट के बाद फिर आपका पोर्टल लॉगिन नहीं होगा। और कुछ भी जल्दी में नहीं करना है, आराम से जब आएगा पोर्टल तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीना तो रहेगा ही, और मिनिमम 15-20 दिन तक तो आराम से रहेगा। तो एकदम आराम से आपको सब कुछ पहले हर चीज़ सर्च कर लेना है, कहाँ क्या भरना है, कैसे भरना है, अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी उस टाइम, तो वो सब भरना है। और हाँ, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट अपलोड करने में मोबाइल से अगर भरोगे तो दिक्कत होता है, क्योंकि जो होता है वो ब्लर चला जाता है वहाँ पे पोर्टल पे, तो उससे अच्छा है कि आप लैपटॉप होगा तो उसे अपलोड कर लेना, क्योंकि जैसे कि मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट मोबाइल से पहली बार मैं अपलोड की तो सारा ब्लर हो गया और हम पेमेंट कर दिए, लेकिन फिर जब करेक्शन विंडो खुला तो हम फिर री अपलोड किए डॉक्यूमेंट को, कि रिस्क नहीं ले सकते थे ना यार, और आप लोग भी ये रिस्क लेना नहीं, पहले ही मैं बता दे रही हूँ। और डॉक्यूमेंट में ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, आपका फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर जनरल नहीं है तो, और 10-12 का मार्कशीट चाहिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, यही 4-5 डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, आप लोग देख लोगे वीडियो में भी वो
दिया हुआ है कि क्या क्या चाहिए, तो ये चीज़ ही चाहिए ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल सा फॉर्म है, आप लोग अच्छे से बस बस एकदम अच्छे से भरना है। करेक्शन विंडो का नौबत ना आए कि ये गलती हो गया, ये छूट गया। और ख़ासकर आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ और नेम, टाइटल, फादर्स नेम, ये सब सही डालना, और ईमेल अपना करेक्टेड वाला डालना, और नंबर, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, आप लोग जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो क्या की कि वो थी गुजरात में, वो अपना 10th भी गुजरात से की, और लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस था वाराणसी, तो उसका 10th जब गुजरात से है तो वो गुजरात की हो गई, मतलब उसका नागरिकता अब गुजरात का हो गया। तो आप लोग के साथ कब कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ 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 यही भरना, क्योंकि मेरी फ्रेंड को हॉस्टल के लिए बहुत दौड़ना पड़ गया था पूरा 1 महीना। बस वो गलती एक की थी कि करेंट एड्रेस को सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दी थी, तो उसका वाराणसी का एड्रेस हो गया था, और एड्रेस होने की वजह से उसका डिस्टेंस जो हो गया वो कम हो गया, नंबर उसका कम था, डिस्टेंस भी कम हो गया, उसको हॉस्टल नहीं अलॉट हो रहा था। उसको सिर्फ अपना एड्रेस चेंज करवाने में बहुत पापड़ बेलना पड़ा। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करना, अगर आपका डिस्टेंस दूर जा रहा है तो प्लीज़ आप डिस्टेंस दूर वाला रखना, हॉस्टल में बहुत होगा, मतलब डिस्टेंस का ज़रूरत बहुत होता है। तो देखो, अगर उसका गुजरात ही रहता डिस्टेंस तो उसको फर्स्ट अलॉटमेंट में ही मिल जाता उसको हॉस्टल, लेकिन उसको नहीं मिला, वो थर्ड या फोर्थ में उसको मिला बहुत पापड़ बेलने के बाद। तो आप लोग ऐसा गलती प्लीज़ नहीं करना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है लेकिन करेंट एड्रेस दूर का है तो आप दूर ही रखना, बहुत बेनिफिट होगा इसमें हॉस्टल के लिए। चलो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना।